हेलो गाइस, माली भाई की क्लास में आप लोग का वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये सम को। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ तो प्राइस। सिंपल है, जैसा कि प्रीवियस सम था वैसे ही है। सॉल्यूशन देखेंगे। टू सम ऑफ 700 इज टू यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। द सम ऑफ 700 और 7 कैश प्राइजेस के लिए, यानी कि S7 अपने को दिया है 700। इफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग परफॉर्म इफ द ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स द प्रेसिडिंग प्राइज, यानी कि कोई जो भी प्राइस है वो पहले प्राइस से 20 रुपीज कम है। यानी कि टू समथिंग समझ लो, हम लोग का फर्स्ट प्राइस इज पी। सो यहां से क्या है, 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, यानी कि 20 रुपीज लेस है जो प्राइस है वो 20 रुपीज लेस है ईच प्राइस से। तो हम लोग को ईच प्राइस फाइंड करना है। जो 7 प्राइजेस रहेंगे उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरीके से हम लोग को सब प्राइजेस फाइंड करना होगा। तो देखते हैं, हम लोग को जो गिवन है उसे फाइंड स्टार्ट करते हैं। एस सेवन इज 700, तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट प्राइज इज द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फोर लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज प्राइज बी रुपीज पी। The cost of second price is cost of second price is second cost of second price is P minus 20, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। Each price is 20, यानी कि थर्ड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, थर्ड क्या होगा, फर्स्ट प्राइस इज ईच प्राइस इज लेस देन 20 माइनस 20 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो P माइनस 40। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट प्राइस ये हो गया P, सेकेंड प्राइस P माइनस 20, थर्ड प्राइस भी 20 रुपीज माइनस में रहेगा। बोला है यहाँ पे इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, पिछले वाले जो रहेंगे यहाँ पे, पिछले वाला ये था उससे भी 20 रुपीज कम रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा। दस ए इज इक्वल टू पी। तो डी का वैल्यू देखते हैं, डी का वैल्यू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। यहाँ पे हमारे को ए टू क्या है, पी माइनस 20। ए वन का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू इज P, तो पी पी कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा क्या, माइनस 20। अगर आपको इसको भी देखना है तो D का वैल्यू A3 माइनस A2 क्या है, P माइनस 20 40 सॉरी माइनस P, A2 क्या है, P माइनस 40 माइनस पी माइनस माइनस प्लस 20, ये कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 20 इज माइनस 20। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो मीन क्या है, दस द सीरीज आर इन दस लेंगे, दस ए इज इक्वल टू पी और डी इज इक्वल टू माइनस 20। यहां पे क्या, डी इज इक्वल टू माइनस 20, ए इज इक्वल टू पी, डी इज इक्वल टू माइनस 20। हम लोग लगेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू एस एन हम लोग को दिया है, एस एन 7 का, एन इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे। एस 7 इज इक्वल टू 7 बाय 2 टू, ए का वैल्यू हमारे पास है, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, पी या ए ही बोले, ए इज इक्वल टू मैंने पी लिखा है तो पी इज इक्वल टू ए, ए को रहने देते हैं। एन माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, माइनस 20। ओके, एस 7 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है एस 7 का वैल्यू, एस सेवन का वैल्यू हमारे पास है 700। ओके, 7 बाय 2 टू ए
सेवन माइनस वन इज सिक्स माइनस ट्वेंटी, अब यहाँ पे 700 प्लस 7 बाय 2 है 2a, अब यहाँ पे प्लस 6 टू जा, यहाँ पे 6 टू जा 12 माइनस में 20, अब यहाँ पे 700 इंटू 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 7 कर दो 2a, प्लस माइनस माइनस इज माइनस 120। ओके 7 वन जा 7, 7 से कैंसिल, 100 इंटू 2 इज 200, अब यहाँ पे माइनस था यहाँ लेफ्ट साइड यही है तो प्लस हो जाएगा 120 2, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करो 0 2 2 और 1 3 320 2 ए, सो 1 वो 2 1, अब 320 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, अब 0 यानी कि ए इज इक्वल टू 160 हो गया, और ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 160, तो हम लोग का क्या ए का वैल्यू क्या हो गया 160 हो गया है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस वाज, तो हम लोग का फर्स्ट प्राइस क्या रहेगा 160 रुपीज, तो ईच प्राइस क्या होगा लेस देन होंगे 20 रुपीज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस वाज, देयरफॉर द प्राइजेस, द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस वॉज, तो हम लोग एक सब प्राइजेस क्या होंगे 20 रुपए कम रहेंगे, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 160, उसके 160 में से 20 रुपीज कम करो 140, 140 में से 20 रुपीज कम करेंगे तो क्या होगा 120, 100, फिर क्या होगा 80, फिर 80 में से 20 क्या माइनस करें 60, फिर 40, तो हमारे में इस तरीके से द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस 160 140 120 180 60 40, या फिर हम लोग को अगर चेक करना क्रॉस चेक करना है तो ये 6 7 को ऐड करेंगे तो हम लोग को आंसर 700 आएगा। द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस वॉज 160, 20 रुपीज कम किया 140, फिर 20 रुपीज कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ द ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स पहले वैल्यू, मतलब पहले से सब जो प्राइसेस है उसका 20 रुपीज कम है, तो 100 माइनस 20 20 60 20, तो इस तरीके से हमारे ये 7 वैल्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माली भाई की क्लास, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और भी लाइक कोई भी अगर डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो हमारे, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करिए, हम उसका वैल्यू और उसका आंसर, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करिए माली भाई की क्लास में, और हम उसका आंसर फाइंड करके आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।